तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और क्राफ्टमैन फोर की नई वीडियो में। तो गाइस, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग एलाइट्रा लेकर आए थे, लेकिन हम लोग उसे यूज़ ही नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास गन पाउडर ही नहीं था, तो नहीं पेपर नहीं था। तो पेपर तो अभी हमारे पास आ चुका है, लेकिन गाइस आज मैं जो करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ। गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ इंचांटेड रूम, जिससे मुझे ना सारी इंचांटेड बुक्स मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में हमें एमरल्ड देना पड़ेगा। लेकिन एमरल्ड कहाँ से आएगा, उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। चलो चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। पहले तो पेपर्स ले लेते हैं, रॉकेट्स बना लेंगे उसका, क्योंकि मेरे को एलाइट्रा को टेस्ट करने का बहुत मन हो रहा था। एलाइट्रा को ढूंढने में गए इतनी मेहनत लगी है, तो ये फास्ट वॉकर है मेरे पास, तो इसे पहन लेते हैं। ये नेदरराइट के बूट्स उतर क्यों नहीं रहे हैं, ये उतर ही नहीं रहे हैं, ये उतरेंगे नहीं क्या? गाइस हमने ड्रैगन हेड पहन रखा है, जो कि क्या ही मस्त दिखता है। अब देखो हमारा सिर क्या ही मस्त लग रहा है। ड्रैगन हेड वेड बाद में देखा जाएगा, पहले ये जूते क्यों नहीं उतर रहे हमारे, जिसके अंदर फर्स्ट वॉकर रखा हुआ है आयरन की, तो वो आयरन का मुझे फर्स्ट वॉकर वाला पहनना है, जिससे कि हमारा कैरेक्टर थोड़ा तेज चल पाए। चलो वो फेंक दिया मैंने नेदरराइट के शूज़ और आयरन के पहन लिए हैं। अब मैं कुछ फेंकूंगा और बोलूँगा ये लो, शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सारे काम हो चुके हैं। ओ हम लोग रॉकेट 72 बना सकते हैं, लेकिन इन्वेंटरी में जगह नहीं है। क्या फेंकें, रॉटन फ्रेश की तो अभी कोई काम नहीं है। फटाफट से बना लेते हैं रॉकेट्स। चलो चलो एंड से हम लोग बहुत कुछ लेकर आए हैं। मैंने ड्रैगन एग तो अपने म्यूज़ियम में रख दिया है, लेकिन अभी म्यूज़ियम और अक्वेरियम में मछलियाँ लाना बाकी है। ओ ये सर्कल बॉक्स अभी मैं नहीं बना सकता, मेरे को एक और चाहिए होगा सर्कल सेल, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड सिटी में वापस से लेकर आ जाऊँगा वो तो मैं। चलो चलो फटाफट से, ये रहे 64 गन पाउडर और 52 गन पाउडर है। ये तो मुझे अपने एक्सपी फार्म से मिल गया था, उसके अंदर क्रीपर बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं। लेकिन गाइस मुझे ना अभी एक चीज़ पता चली है, उसके अंदर तभी वो मॉब स्पॉन होते हैं जब हम लोग उधर खड़े रहेंगे। अंधेरा तो होता है अंदर, लेकिन अंदर नहीं, हमें उसके ऊपर जाकर खड़े रहेंगे ना, तो उधर ज़्यादा मॉब स्पॉन होंगे। तो मैं अब ऐसा ही करता हूँ ना, तो बहुत सारे क्रीपर स्पॉन हो जाते हैं। चलो ये रहे फायरबक्स, ट्राई करेंगे एलाइट्रा को पहली बार। चलो ओ गाइस कैसे से उड़ रहा है, देखो 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 देखो। ओ गाइस तो मैं पहली बार एलाइट्रा से उड़ चुका हूँ, इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है। फटाफट से 100 सब्सक्राइबर करा लो, 100 सब्सक्राइबर कराओ दे दोगे ना, तब मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आऊँगा, जो कि बहुत मस्त होगा। तो चलो फटाफट से 100 सब्सक्राइबर कराओ एलाइट्रा के मिलने में खुशी में। चलो चलो, लेकिन इधर जगह बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा ही छोटा सा ही बनाऊंगा, क्योंकि उसी इंचार्टेड रूम से हमें बहुत सारी बुक्स तो मिल जाएगी। लेकिन अभी इतनी सारी बुक्स को मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, वो समझा नहीं पा रहा। अब मैं जब बना दूंगा तभी देख लेना आप। इधर वुड लगा देते हैं अभी के लिए, बाद में मैं डर्ट लगा दूंगा। इसे तोड़ो, इसे भी, इससे भी, इससे नहीं, इतना काफ़ी रहेगा। अभी जैसे थोड़ा रास्ता जैसा बना लेते हैं। चलो चलो ये डन। ना मच जाएंगे तो गाइस फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। डन। चलो ये शुरू करिए, फटाफट से ही बनाते हैं। तो गाइस मेरा अक्वेरियम क्या ही मस्त दिख रहा है गाइस, उसके अंदर पहले मैंने कुछ नहीं लगाया था ना, उसके अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाते थे, लेकिन अब मैंने उसके अंदर लालटेन लगा दी है, जिसकी वजह से उसके अंदर मॉब स्पॉन नहीं होते। तो गाइस अब हमारी उसकी जो लुक है वो क्या ही मस्त आती है, अंदर से भी और बाहर से भी। चलो इसे तोड़ते हैं, ये गलत है थोड़ा, और ये भी गलत है, इसे भी तोड़ो। येलो डन टूट चुका है, अच्छे से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये काउंट कर लेते हैं, ये है टोटल 8, तो उस तरफ भी मुझे 8 ही लगाने हैं, क्योंकि दोनों का बराबर होगा तभी तो गाइस अच्छे दिखेंगे, नहीं तो सड़े हुए आलू की तरह दिखेंगे। मतलब अगर क्राफ्टमैन 4 की भाषा में कहा जाए तो पॉइजन पोटैटो की तरह, पॉइजन पोटैटो सड़ा हुआ आलू।
पॉइजन पोटैटो मतलब जहर वाला पोटैटो, लेकिन मैं उसे सड़ा हुआ आलू बोलता हूँ। चलो चलो, सर्दी हो गई है गाइस मुझे। आप लोग सब्सक्राइब मारोगे तो ठीक हो जाएगी, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब मारो। चलो चलो, इतना हाइट काफ़ी रहेगी, अभी इधर से इधर लगाते हुए चलते हैं। चलो चलो, लेट्स गो 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 गाइस। वो जो हमें वो वाले विलेजर होते हैं ना, जो हमें बुक्स देते हैं इंचांटेड वाले विलेजर, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि वो हमें इंचांटेड बुक्स देते हैं। बहुत ख़राब जोक था ना, मुझे भी पता है यार। देखो मैं वुड कहाँ पर लगा रहा हूँ, कहाँ पर लगा रहा हूँ और कहाँ पर लगा रहा हूँ। तोड़ो तोड़ो, उधर से लेकर भी तो नहीं आ सकता, मतलब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये जॉइंट हो चुका है, देखो गाइस मेरे ऊपर एलाइट्रा है, तो भी मैं कैसे कूद रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा डबल जंप करके कूदूँगा ना, तो मेरे को डैमेज नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमें तो सिंगल जंप कर कर ही कूदना है। देखो फिर से मैं सिंगल जंप करके ही कूदा। एलाइट्रा को ना यूज़ करने में बहुत ज़्यादा खतरा भी है, कभी कभी ना हमारा सिर कहीं पर टकरा जाता है और हमें मार डालता है ये साला यार। चलो, वुड हमने कहाँ रखी थी, मिल नहीं रहा। इसी चेस्ट में आई थिंक रखी थी मैंने अभी। वुड तो मैंने बहुत सारी तोड़ के ले आया था, पूरे जंगल को खोदा खोदी करके ले आया था मैं। वुड नहीं है मेरे पास, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देखना पड़ेगा, वुड तो होगी हमारे। सारे चेस्ट खोलो, डम डमा के डोलो। ओ ओ, इसमें वुड है, वुड है, ले लेते हैं वुड। चलो, हमारा काम जो है डन हो चुका है। काम को कान बोल रहा हूँ गाइस, देख रहे हो मेरी इंग्लिश मतलब हिंदी। चलो चलो चलो, इधर से लगाते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं। देख रहे हो रात भी हो रही है। चलो 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 चलो, डन डन डन। चलो ये कनेक्ट हो चुका है, डन डन डन। एक तो अंधेरा हो गया ना, तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता गाइस। चलो चलो, सब्सक्राइब मारो फटाफट से। तो गाइस अगर आप लोग सब्सक्राइब मारोगे ना, तो आपको मिलेगी एकदम मस्त सी 500 की हरी पत्ती। सब्सक्राइब मारो ना, तो सब्सक्राइब मांगता। 27 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब बस खाली मतलब कमी। ओ गाइस, इलाइट्रा का यूज़ देख रहे हो, मैं काइट बन के उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को ये लोग ने मार डाला। मेरे इलाइट्रा की वजह से मैं मर गया। मैं अभी बोला ही था थोड़ी देर पहले कि मैं मर जाऊँगा, और मर भी गया। सारी काम की चीज़ें तो मिल गई, जैसे कि इलाइट्रा सबसे इम्पोर्टेंट और ड्रैगन हेड सबसे इम्पोर्टेंट। चलो यार, ये मॉब्स वॉब्स कहाँ से आ रहे हैं पागल जैसे, बताओ कहाँ पर हो सारे। तुम्हारे पिछवाड़े में शॉट घुस दूँगा, दिखते भी नहीं है ना, पता नहीं कहाँ पर छुप के बैठे रहते हैं पागल जैसे। इस तरफ है क्या, इस तरफ के भी मैं अपने सारे आइटम्स ले लेता हूँ। ये देखो छोटू ज़ॉम्बी, मेरे पास पता है कौन सी शॉट है, शार्पनेस 4 वाली सॉड है। मैं पीट डालूँगा शार्पनेस 4 वाली सॉड से, तेरे को डर नहीं लगता। एंड सिटी से लेकर आया, अपने बेड को ही तोड़ लेते हैं और नीचे जाकर लगा कर सो जाता हूँ। ये लोग ये क्योंकि मॉब्स की वजह से मेरे को सोने को ही नहीं मिलेगा इधर। चलो सो चुका हूँ, अब उनकी फटेगी मतलब वो, अब सन की रेस से वो लोग मरेंगे। चलो 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 चलो, अब मरो मरो सालो मरो। ये गाय अंदर घूम रही है हमारी। ओ गाइस, उधर गड़बड़ हो गई है, मतलब मैंने उधर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उसे तो गाइस मैं बाद में ठीक कर दूंगा। अब ज़्यादा टेंशन मत लेना। ओ गाइस, इधर तो बर्फ जम रही है, मेरा पानी का बर्फ हो गया। इधर तो बर्फ में नहीं गिर रही आसपास, फिर भी वो मेरा पानी बर्फ कैसे बदल गया, बर्फ में बदल गया गाइस। इसके पीछे क्या है मुझे आप कमेंट में बताओगे, प्लीज़ बता देना। ये मेरा पानी बर्फ़ में कैसे बदल गया, इतनी ठंडी तो है नहीं कि पानी बर्फ़ में बदल जाए। पानी को बर्फ़ में बदलने के लिए 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर चाहिए होता है।
देखो बस हमारा ये घर तो एकदम अच्छा ही लग रहा है, मतलब घर नहीं एन्चेंटेड रूम। बट ना एक प्रॉब्लम है कि उसका जो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, अब उसको ग्लास से पूरा बीच में लगा दूंगा मैं। तो सैन है इतनी सारी, इसको फर्नेस में डाल के आते हैं। चलो बराबर से फर्नेस में डालने चले। ओ मेरे पास देख रहे हो कितने सारे आयरन पड़े हैं, लेकिन अभी मेरी वो टूट चुकी है माइनकार्ट। यार चलो अपने काम की चीज़ें लिखते हैं। कॉल वगैरह तो है नहीं। गाइस देख रहे हो मेरे पास सैडल और डायमंड का आर्मर है हॉर्स के लिए। ओ गाइस मैं तो भूल ही गया था कि मुझे फर्नेस में भी डालना है, फटाफट से डालते हैं। 16 मतलब 19 कॉल है इसके अंदर, इतने में तो काम हो जाएगा, ये ग्लास बन जाएगा फटाफट से हमारा। ये अभी जो हमारे हाथ में ग्लास है वो तो डाई वाला ग्लास है, उसके अंदर मैंने ब्लैक डाई मिलाई थी। वो ब्लैक डाई मिलती है हमें उसको मारने से, क्या कहते हैं जो पानी में एक जीव मिलता है उसको, ऑक्टोपस जैसा लगता है। चलो इधर लगाते हैं फटाफट से। तो गैस अभी मैं ना आपको ये बता देता हूँ कि विलेजर को हम लोग कहाँ पर लगेंगे। देखो पहले हम लोग इधर बना लेते हैं विलेजर के लिए थोड़ा सा। इधर एक आएगा ब्लॉक, फिर हमें ये सब हटाओ यार, क्राफ्टिंग टेबल बनाकर इधर ही रख लेते हैं। तो अब जब ये बन जाएगा ना तब मुझे एक चीज़ लगानी होगी, ये एंड क्रिस्टल बना सकता हूँ मैं। नहीं एंड क्रिस्टल की कोई ज़रूरत नहीं है, देख रहे हो मैं कितनी सारी चीज़ें बना सकता हूँ, पर बनाना नहीं है। अरे यार जो मैं काम की चीज़ देख रहा हूँ, ये लगा देंगे लालटेन, इसका नाम है लालटेन। तो ये लगा देंगे ना तो वो विलेजर बन जाएगा एक लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन से हमें बहुत सारी बुक्स मिलती है। तो अभी ये प्लैंक्स मतलब प्लैंक्स के हमने बना लिए हैं। वो होगा तभी तो एलाइट्रा से फिर से मुझे तगड़ा वाला डैमेज पड़ जाता। चलो 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 चलो। तो गैस आज का वीडियो ना यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैं विलेजर विलेजर को ला के रख दूंगा, आधा काम तो कंप्लीट हो ही चुका है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।